गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 16th ऑफ अक्टूबर और डे है सैटरडे। तो पिछले कल हमने जो वो एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर लिया था, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो जो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले होंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ जो वो आपको होल नंबर भी आ सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ जो वो आपको कोई प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो कैसे करना है इनको वो देखेंगे। आज ये लास्ट ही टॉपिक होगा एडिशन वाला, बाकी उसके बाद जो वो हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। देखिए, अगर आपको एडिशन आ गया तो सब्ट्रैक्शन भी आज आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो वो इसको अच्छे से समझे। अच्छा, जो पिछले वाले क्वेश्चन थे 7.2, अच्छा एक छोटा सा रिकैप करते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, तो अच्छे से देखें हम लोग जो वो क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं उनको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 5/10 और मैंने लिखा एक 7/10। अब आपको पता है कि नीचे 10 10 है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में सेम ही नंबर आ जाएगा, 10 10 का 1 बार 10, ठीक है। अब ऊपर अगर ऐसा हो जाए, जैसे इन दोनों का एलसीएम तो चलो बराबर है, 10 10 का 10 ही होता है, इस केस में जो आप क्या करेंगे कि ऊपर जो न्यूमिरेटर है आपके 5 और 7, तो इनको आपने सिंपली प्लस करना है, 5 + 7। माइनस होगा तो माइनस करना है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो 5 + 7 होता है 12, 12 अपॉन नीचे तो 10 ही है, 12/10 इज द आंसर। तो देखिए, इसको जो आपके आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं आप। जैसे 2 से जाता है तो 5 2 = 10 एंड 6 2 = 12 एंड 6/5 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 6/5 इज द फाइनल आंसर। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने जो वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए कि जहाँ पे जो वो जैसे 2/5 लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने लिख लिया 3/10। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन भी हमने कई सारे किए, तो इस क्वेश्चन में जो वो न्यूमिनेटर सेम नहीं है। अगर न्यूमिनेटर सेम नहीं है तो हमने जो वो न्यूमिनेटर को सेम किया था। अब इस केस में जो वो हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें जो वो हम लोग 5 और 10 जो भी डिनोमिनेटर थे उनका एलसीएम, तो एलसीएम के कई सारे तरीके हैं निकालने के। इसमें जो वो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं 5 और 10 का, क्योंकि एक दूसरे का मल्टीपल है, दूसरा जो वो एक का फैक्टर है। तो इस केस में जो वो आपका जो बड़ा नंबर होता है वो जो वो एलसीएम हो जाता है। तो देखिए, इस एलसीएम लेने का मतलब था कि नीचे 10 बनाइए, तो इस फ्रैक्शन में पहले से ही 10 था, इस फ्रैक्शन में 10 नहीं है, तो यहाँ पे 10 बनाइए। तो इस फ्रैक्शन को 2/5 को मैंने उठाया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 10 बन गया। अगर नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 2 2 = 4, 4/10 आ जाएगा। अब इसकी जगह आपने 4/10 लिखना था, इसकी जगह 4/10, तो 4/10 एंड प्लस 3/10। तो आगे आपने वैसे ही करना है, 10 10 का नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर प्लस करना है, 4 + 3 आ जाएगा 7/10, ठीक है। तो 7/10 इज द आंसर। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए थे। हाँ, जहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे 3/7 + 4/3, कुछ भी, ठीक है। तो आपको इसमें जो वो इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर ऐसे नंबर हो दोनों जो प्राइम नंबर हो, दोनों ही प्राइम नंबर है, या एक भी प्राइम नंबर है या कॉमन जो वो उन दोनों में सिर्फ 1 है, तो इसमें जो वो आप उनका प्रोडक्ट जो वो एलसीएम होता है। जैसे 7 3 जो वो कितना होता है 21, तो 21 जो वो नीचे बनाना पड़ेगा आपको, इसका मतलब ये हुआ। तो 7 को 3 से करें और यहाँ पे जो वो 7 से करना पड़ेगा, ऊपर भी 7 से, यहाँ पर भी 3 से, जो भी फ्रैक्शन चेंज करके आएगा नीचे तो 27 बन जाएगा, सॉरी 21 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो आपने जो वो लाइक फ्रैक्शन इसको बना दिया। फिर लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद आपको पता है कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमने कल किया था उसको भी देखिए। जैसे 7.2 हमने कल की थी, उसमें भी सिंपली ऐसे ही था, लेकिन उसमें क्या था कि एक होल नंबर आपको दिया था, ठीक है, एक होल नंबर दिया था। जैसे एक क्वेश्चन था 7 + 5/6, इसमें सिंपली आपने करना कुछ नहीं था, आपने इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, तो इसमें जो कुछ भी नहीं है 7 के नीचे। तो सबसे पहले तो आप 7 के नीचे जो वो 1 लिखें, अपनी मर्जी से सिर्फ 1 लिखा जा सकता है यहाँ पे, बाकी और कुछ नंबर ना लिखें अपनी मर्जी से, ठीक है। तो 7/1 एंड 5/6। अब देखिए, ये तो काफी इजी क्वेश्चन थे, क्योंकि इसमें जैसे 1 और 6 का जो एलसीएम आता है, इसमें जो वो 1 कॉमन है, तो आपको जो वो प्रोडक्ट जो वो एलसीएम हो जाए तो आ जाएगा, तो 6 1 + 6 जो वो एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 बनाइए यहाँ पे, तो यहाँ तो पहले से ही 6 है एक फ्रैक्शन में, तो आप क्या करिए 7/1 वाले को जो वो 6 बनाइए। तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, 6 के साथ करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 के साथ करना पड़ेगा। अब ये जो फ्रैक्शन है पहले वाला फ्रैक्शन, ये जो वो चेंज हो चुका है यहाँ पे, देखिए तो ये बन जाएगा 7। देखिए, चेंज मैं बोल रहा हूं, चेंज का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल चेंज हो गया, अलग हो गया, नहीं, ये जो वो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसकी जगह इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि इसी के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं सॉल्व करने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो
तो इसलिए मैंने लिखा 7 6 का होता है 42, और 42 अपॉन 6 आ जाएगा, इसकी जगह से 42 अपॉन 6 आ जाएगा, बाकी प्लस 5 अपॉन 6 आप वैसे ही करें। अब आपको पता है कि कैसे करते हैं, तो सभी क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के थे, आगे जो वो 42 प्लस 5 आ जाएगा अपॉन 6 आ जाएगा, इसको सॉल्व करें और आपका आंसर आ जाएगा 47 अपॉन 6 इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो वो थे, हाँ कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी था, जैसे 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 3 लिख लिया मैंने यहाँ पे, यस 3 प्लस 5 एंड प्लस 2 अपॉन 9, तो ऐसा भी क्वेश्चन था एक। ठीक है, तो आपने क्या करना था अगले स्टेप में, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, आपका जो एलसीएम है वो 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 1 1 1, ठीक है, 1 के साथ अगर एक ही नंबर है आपके पास तो वही एलसीएम आ जाता है, तो वो यहाँ पे तो 1 1 9 का एलसीएम निकालना है तो 9 ही आ जाएगा, मतलब कि इसकी जगह 9 बनाना है आपने और इसकी जगह 9 बनाना है, बाकी यहाँ तो पहले से 9 है तो ऊपर भी 9 से करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 9 से करना पड़ेगा, फिर जो वो फ्रैक्शन जो वो जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके आएंगे, फिर जो वो लाइक फ्रैक्शन होंगे, लाइक फ्रैक्शन को ईजी होता है सॉल्व करना। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास ऐसे बन जाए, जैसे 3 अपॉन 18, 4 अपॉन 18, 5 अपॉन 18, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, तो तीन नंबर हो तब भी आपने वैसे ही करना, जैसे 18 18 18 का 18 लिखे सेम नंबर, ऊपर वालों को प्लस है तो प्लस करें, 3 प्लस 4 प्लस 5 आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 9, 10 11 12 12 अपॉन 18 जो वो यहाँ पे आ जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 2 जा एंड 6 3 जा, 2 अपॉन 3 इज द आंसर। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो वो मिक्स नंबर होंगे, देखिए इनको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है, आपको मैं बता देता हूँ कि आपने जो वो दो मेथड में से आपको कोई भी जो वो जो अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा कि किस मेथड में जो वो कौन सा मेथड सही रहेगा, ठीक है, किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड सही रहेगा वो मैं बताऊंगा, तो आपने अच्छे से देखना है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आपकी जो लाइव क्लास है वो जो वो मंडे को ही होगी, तो कल संडे है, तो इस एक्सरसाइज को जो वो पूरी आपने कंप्लीट करना है अच्छे से वीडियो को देख करके, अगर वीडियो में एक बार समझ ना आए तो उसको दोबारा देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो वो उसी लिंक में जाना है और दोबारा यूट्यूब पर आपको वही वीडियो जो वो शो हो जाएगी। अगर आप उसको जो वो आपको स्लो लग रहा है, वैसे स्लो तो नहीं लगनी चाहिए, मैं फास्ट बोल रहा हूँ अभी भी, तो आपको जो वो अगर आपको फास्ट करना है थोड़ा सा, ठीक है, तो आप वहां पे जाकर के फास्ट भी उसको कर सकते हैं, अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो वहां पे आप स्लो भी वहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये फैसिलिटी जो वो वहां पे मिल जाती है आपको स्लो या कम करने की, ठीक है, स्लो या फास्ट करने की, तो वहां पे जो वो आपका अगर आपको क्लियर भी नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपनी वीडियो की जो वो क्वालिटी इंप्रूव कर लें, उसको जो वो थोड़ी सी बढ़ा लें। अब देखिए कैसे करना है उसको, फाइंड द सम, बिल्कुल वैसे ही है, सम भी निकालना है, 7.3 तक हमने जो वो ऐड ही करना है फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन में जो वो हमने होल नंबर, कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है या मिक्स्ड फ्रैक्शन, कोई भी मिक्स में हो सकता है बीच में। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही आपको जो वो कैसे फ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड में जो वो आपको क्या करना है, सिंपली इसको जो वो इम्प्रॉपर में चेंज करना है, इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो 7 2 जा, ठीक है, 7 2 जा, अब आपने लिखना नहीं है जैसे इम्प्रॉपर में चेंज, डायरेक्ट करिए इसको 7 2 जा 14 14, देखिए 7 है नीचे तो इसमें भी 7 होगा, प्लस है तो इसमें भी 7 होगा, मतलब कि लाइक फ्रैक्शन बनने वाला है, अगर ये लाइक फ्रैक्शन बनने वाला है तब तो सिंपल है, ठीक है, तब तो बहुत ईजी है, देखिए 7 2 जा 14 एंड 14 में ऊपर वाले को प्लस करने हैं, 14 और 2 हो गया 16, ठीक है, तो 16 आ गया यहाँ पे, और अगले वाले फ्रैक्शन में देखिए 7 3 जा, 7 3 जा होता है 21, 21 और 4 होता है 25, ठीक है, तो 25 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन बन चुका है, अब आपको पता है कैसे करते हैं इसको, 7 नीचे सेम नंबर आ जाएगा 16 और ऊपर वाले को प्लस करेंगे 16 और 25, इसको प्लस करके जो वो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे इसको प्लस करके जो वो आता है शायद 41 आता है, यस 41 आ जाएगा, 41 अपॉन 7 इज द आंसर। तो कुछ इस टाइप के, ये तो था एक मेथड, ठीक है, अब देखिए इस मेथड से कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इस मेथड से आप इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। अब देखिए मैं दूसरा मेथड से भी इसी क्वेश्चन को कर लेता हूँ, दूसरे मेथड से मैं इसी क्वेश्चन को करूंगा, आपका आंसर हमारा आंसर जो वो 41 अपॉन 7 ही आना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले मैं ब्लैक से इसको, अच्छा रेड से मैं लिखता हूँ, यस आपने जो भी होल नंबर है, ठीक है, देखिए ये जो 2 एंड 2 अपॉन 7 लिखा है, यहाँ पे 2 जो वो होल नंबर है, यहाँ पे 3 जो वो होल नंबर है, ये जो आगे लिखा होता है वो जो वो होल नंबर होता है, आपने क्या करना है, आपने जो वो इन दोनों नंबरों को, अच्छा दोनों नंबरों को जो वो आप इससे पहले कि इनको आप अलग से प्लस करें, आप इसको जो वो इस फॉर्म में लिख लें, क्योंकि 2 एंड 2 ओवर 7 का मतलब है 2 प्लस 2 अपॉन 7,
यही मतलब है इसका। तो इसको मैंने ऐसे ओपन कर लिया और प्लस में मैंने लिखा 3 + 4/7। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में जो आपने इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप लिखिए। सेकंड स्टेप में जो आपने क्या करना है, इस 2/7 को ब्लैक से यहाँ पे इनको ये कर रहा हूँ, 2/7 को अलग से और इसको अलग से और इस 3 और 2 को जो वो अलग से प्लस करना है। देखिए अब 2 + 3 जो वो मैंने मतलब कि कॉमन मैंने ले लिया, मैं ऐसा इसको बोल सकता हूँ। 2 + 3 को मैंने बाहर लिखा, अंदर वाले जो फ्रैक्शन है वो है 2/7 एंड यहाँ पे है 4/7। ठीक, अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो वो डायरेक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनेगा, ठीक है, ये जो जाकर के मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही बन जाएगा डायरेक्ट। तो 3 + 2 होता है 5, यस 5 होता है, तो 5 आके आ गया। और आपको पता है कि बीच में जो वो कैसे प्लस करना है आपने, मैं कुछ और कलर से यहाँ पे लिखता हूँ, यस ए वाला कलर ठीक रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 और 4 है, तो 2 + 4/7 आ जाएगा। 2 और 4 होता है 6/7, ठीक है, 2 और 4 होता है 6, तो 6/7 आके यहाँ पे, तो मतलब कि इसकी जगह 5 है, 5 6/7 इज द आंसर। तो 5 6/7 देखिए, अब 5 6/7, अब आप बोलोगे कि 41/7 तो नहीं आया, तो इसका मतलब 41/7 ही है। क्यों? क्योंकि इसको चेंज करिए, 7 5 = 35, 35 और 6 होता है शायद 41, तो 41/7 इज द आंसर। ये इसी से जो वो ये बना है, या आप बोल सकते हो कि इससे जो वो ये बन जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो आप जिस देखिए ये जो वो क्वेश्चन आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिए हैं, तो क्यों ना आप आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में निकालें। तो मेरे ख्याल से जो वो ये वाला मेथड जो वो ठीक रहेगा। थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें जो वो डायरेक्ट आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आंसर निकाल रहे हो। जो दूसरे वाला था उसमें 41/7 आया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही डायरेक्ट आंसर मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हाँ, एक बात मैं फिर से बता दूं, जैसे आपके पास आया था कुछ इस तरह से 2 + 3, और यहाँ पे आया था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बीच में भी प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने प्लस नहीं लगाया था, आप यहाँ पे प्लस लगा लें। फिर जो वो यहाँ पे बना था शायद 6, ठीक है, जो भी बना था, ठीक है, 6/7 बना था शायद, ठीक है। अब देखिए आपने जो वो यहाँ पे सॉल्व कर दिया, 5 + 6/7 आ गया फिर, ठीक है, 5 + 5 क्योंकि इसको जो वो पहले सॉल्व किया, फिर जो वो 6/7 इसके साथ चिपका दिया प्लस के साथ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5 and 6/7 है, ठीक है। तो प्लस हटा करके इसको एक साथ चिपका दें, ये आपके पास इसकी फ्रैक्शन की मिक्स्ड फॉर्म आ चुकी है। तो अब आपकी मर्जी है, जिस मेथड से आपको अच्छा लगे उस मेथड से कीजिए, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसको जो वो किसी कोई भी एक मेथड जो वो लीजिए और उससे सॉल्व करिए। जरूरी नहीं है आपने जो वो मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालना है, आप जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आंसर बताएं, ठीक है। अब अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो वो 4 5, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, इसका मतलब है ये जो वो कौन से फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे जो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अलग से जो वो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अलग से बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए जैसे 4 and 1/5 है, इसको आप सिंपली क्या करें, इसको आप सिंपली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। जैसे 4 5 जा, 1 में 5 होगा नीचे और 1 में 4 होगा, वो तो पहले से फिक्स है, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को देखिए ध्यान से, इस फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमिनेटर क्या बनेगा, तो वो मैं यहाँ पे करता हूँ, 5 4 जा कितना होता है 9 और 1 होता है 10, 10/5 आ गया। यहाँ पे 5 4 जा, ये भी 9 आ रहा है, 9 + 1 ये भी 10 आ रहा है, तो एक 10/5 है, एक जो वो 10/4 है। अब आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो वो दूसरे वाला मेथड जो वो हमारे पास नहीं है अभी। आप लोग आगे जो वो उस मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 और 4 का जो एलसीएम होता है, 5 इन दोनों के बीच में कॉमन 1 ही है, तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा, 5 4 = 20 होता है। तो आप 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10/5 को जो वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10/4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो तो फिक्स है पहले से ही, ठीक है। 20 बनाना है तो इसको 4 से करना पड़ेगा, यहाँ पर 20 बनाना है तो इसको 5 से, अगर यहाँ पे 4 से किया ऊपर भी 4 से, यहाँ पे 5 से किया ऊपर भी 5 से, ठीक है। फ्रैक्शन जो बिल्कुल चेंज हो गया बीच में प्लस, तो इसको लिखना है, फिर सॉल्व करके इसको भी लिखना है। अब जो वो ये लाइक फ्रैक्शन बन चुका है, फिर जो वो आप सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऐसे, तो बड़ा क्वेश्चन लेते हैं एक और इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे ए वाला क्वेश्चन है, इसमें जो वो देखिए एक होल नंबर है, एक जो वो इम्प्रॉपर है, एक जो वो मिक्स्ड है,
कोई घबराने की बात नहीं है, आप जो वो इसको सभी को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए पहले, जैसे इम्प्रॉपर में है तो इम्प्रॉपर में सबको डालिए, जैसे 3 का मतलब है 3/1, जैसे 5/4 का मतलब है 5/4, ये तो सेम है, 5/4 ही इसका मतलब होगा इसको। अच्छा आपने जो वो अब इम्प्रॉपर में दिया है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज ना करें कभी भी, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो 5/4 है तो इसको वैसे ही रहने दें। आगे 2 and 1/12 है तो इसको जो वो 12 नीचे आ जाएगा, इसको मैंने चेंज कर दिया मिक्स्ड टू जो वो इम्प्रॉपर में इसको चेंज कर रहा हूँ। 12 2 जो होता है 24, 24 और 1 होता है 25। देखिए अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, 4 3 जो होता है 12, इसका मतलब है कि इसका एलसीएम जो वो 12 ही आने वाला है, ठीक है। 1 तो सभी में होता है, 1 की आपका प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 तो सबके पास है, 1 जो वो कितनी बार भी ले लो एलसीएम जो वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। तो 4 और 12 ही है यहाँ पे मतलब मेन, ठीक है, 1 तो ऐसे ही है। तो 4 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे 12 हमने बनाना है तो यहाँ पे तो पहले से 12 है, मतलब कि इस फ्रैक्शन को आप जो वो ऐसे ही रखें, इससे कोई यहाँ पे आप छेड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है तो 4 3 जो होता है, तो यहाँ पे 4 को 3 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 बनाना है तो यहाँ पे 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 12 से करना पड़ेगा फिर, ठीक है। यहाँ पे 3 से किया तो यहाँ ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। अब इसकी जगह जो भी फ्रैक्शन आ रहा है उसको लिखें, इसकी जगह जो भी आ रहा है वो लिखें, बीच में प्लस लगाएं और ये तो सेम रहेगा। फिर जो वो लाइक फ्रैक्शन बन चुका है, नीचे 12 आ जाएगा, ऊपर जो वो 12 3 जा 36, 5 3 जा 15 और 25 प्लस में आ जाएंगे, प्लस करके आपका आंसर निकाल सकते हो। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, आप इनको खुद करिए, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा तभी आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आएंगे। तो एडिशन वाला यहाँ पे टॉपिक जो वो कंप्लीट होता है 7.3 तक कंप्लीट करिए। कल भी संडे है, कल संडे है सॉरी छुट्टी है कल, तो अगर क्वेश्चन जो वो आज बच जाते हैं तो कल उनकी प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जो वो उसका आंसर बताऊंगा आपको, मैं जो वो बताऊंगा कैसे जो वो आपने करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।